गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्टीवेशन ऑफ वीट। माई सेल्फ अनिता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है, फैमिली पोएसी, कॉमन नेम वीट या गेहूँ हम इसे कहते हैं। यह मुख्य क्रॉप है जो टेम्परेट रीजन्स में उगाई जाती है और यह मुख्य स्टेपल फूड है और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस पर निर्भर है। हिस्ट्री हम देखें तो यह इसका जो स्प्रेड हुआ है वह फर्टाइल क्रिसेंट से लगभग 8500 BC के लगभग हुआ है और यहाँ से स्प्रेड होकर ये ग्रीस में साइप्रस और इंडिया पहुँची, उसके बाद ये इजिप्ट पहुँची। इस प्रकार हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट एशिया को इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। फर्टाइल क्रिसेंट एक क्रिसेंट शेप रीजन है जो मिडिल ईस्ट एशिया में है और आज की तारीख में यह जो रीजन है ये इराक, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन और इनसे मिलकर बना हुआ है। 6000 BC के अंदर दो वाइल्ड स्पीशीज़ जो थी एमर वीट की वह उगाई जाती थी और 300 BC तक भी इसी का कल्टीवेशन किया गया, लेकिन इसके बाद ट्रिटिकम ड्यूरम ने इसकी जगह ले ली। उसके बाद ट्रिटिकम वल्गेर का कल्टीवेशन किया जाने लगा और आज वर्ल्ड के अधिकतर भागों में ट्रिटिकम वल्गेर को उगाया जाता है। हम देखते हैं कि जो वीट है वो मुख्य खाद्यान्न फसल है और वर्ल्ड के कई देशों में इसकी खेती की जाती है। रशिया, USA, चाइना, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, अर्जेंटीना, यहाँ पर ये जो देश हैं ये मुख्य उत्पादक देश हैं गेहूँ के। भारत में हम देखें तो 18.15 मिलियन हेक्टेयर्स पर इसकी खेती की जाती है और यहाँ भारत में इसका प्रोडक्शन है 76.78 मिलियन टन्स और फोर्थ लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है भारत। भारत में उत्तर प्रदेश जो है वहाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है, उसके बाद MP आता है, पंजाब, बिहार, देन राजस्थान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न इंडिया है इसकी जो वेस्टर्न इंडिया में जो भी आ रहे हैं हमारे स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान एंड जम्मू, यहाँ ये मुख्य उत्पादक रीजन है या स्टेट हैं। इंडिया में हम देखें तो 88% भाग पर ट्रिटिकम एस्टिवम और 11% भाग पर ट्रिटिकम ड्यूरम की खेती की जाती है। ट्रिटिकम डाइकोकम जिसे एमर वीट कहते हैं यह कुछ ही भारत के कुछ भागों में ही उगाई जाती है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो हैं उगाई जाती हैं, इसीलिए ट्रिटिकम डाइकोकम को कुछ ही भागों में उगाया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य स्पीशीज़ हैं वीट की, जैसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, क्लब वीट, ब्रेड वीट, स्पेल्टा वीट और मेका वीट। यह जो हैं हेक्साप्लॉइड वीट हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर 42 है। इसके बाद मैक्रोनी, एमर वीट, पर्सियन वीट और पोलार्ड वीट जो हैं यह टेट्राप्लॉइड वीट हैं, 28 इनमें क्रोमोसोम है। एनकोन वीट जो है यह एक डिप्लोइड वीट है, जो प्राचीनतम जो गेहूं है वह एनकोन वीट है और इसके अंदर क्रोमोसोम संख्या 14 है। बॉटनिकल कैरेक्टर्स हम देखें तो यह एक एनुअल हर्ब होता है, इसकी हाइट 0.6 से 1.5 मीटर होती है, जिसे हम इसको हम कलम कहते हैं और इसमें बेस से नीचे से ट्रिलरिंग होती है। रूट्स जो होती हैं सीडलिंग स्टेज में जो रूट्स होती हैं वह एफीमेरल होती हैं और उनकी जगह एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट जगह ले लेती है। इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर टर्मिनल स्पाइक होता है और प्रत्येक स्पाइक के अंदर हम देखते हैं ये देखिए यहाँ पर 15 से 20 स्पाइकलेट्स हमें देखने को मिलते हैं और प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर 1 to 5 फ्लोरेट्स होते हैं। ये एक फ्लोरेट है, नीचे आप ये देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें आपको फ्लोरेट यहाँ पर दिखेगा, ये वाला एग्जांपल। इसके अंदर आप प्रत्येक फ्लोरेट में आप देखें तो एक लेमा और एक थिन पीलिया होता है,
और इसके साथ एक लीमा, एक पीलिया, आप ये देखिए, और प्रत्येक फ्लोरिट के अंदर एक जोड़ी अपर ग्लूम और लोअर ग्लूम ग्लूम होते हैं, और लॉडिक्यूल्स, एक जोड़ी लॉडिक्यूल्स होते हैं, तीन इसमें स्टैमन्स होते हैं और एक ओवरी यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप, ये फ्लोरेट का एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, अपर ग्लूम, लोअर ग्लूम, लीमा, पीलिया, स्टैमन्स, ओवरी एंड एक जोड़ी लॉडिक्यूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इस वाले डायग्राम में भी, ऊपर वाले में भी आपको ये टर्मिनल स्पाइक आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइकलेट है, और प्रत्येक स्पाइकलेट के अंदर हमने देखा कि जो होता है 1 से 5 फ्लोरेट्स होते हैं। ये फ्लोरेट का डायग्राम है इधर। नाउ द ग्रेन जो है इसका, गेहूं जो होता है वह ड्राई वन सीडेड इनडेहिसेंट फ्रूट है। इसको हम, इसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस। इस जो इसके कैरियोप्सिस फ्रूट के अंदर 82% भाग एंडोस्पर्म ही होता है, जिसके चारों तरफ एल्यूरन लेयर होती है, और जो एल्यूरन लेयर होती है वो विटामिन रिच होती है और प्रोटीन एंड मिनरल रिच होती है। नाउ वीट कल्टीवेशन, हम देखें कि वीट इज अडेप्टेड टू ए वराइटी ऑफ क्लाइमेट्स। टेम्परेट रीजन में ही गेहूं की खेती की जाती है, बट इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन द आर्कटिक रीजन एंड इन नियर द इक्वेटर। कूल विंटर्स फॉलोड बाई रिलेटिवली ड्राई एंड वार्म समर्स एंड अ मॉडरेट एनुअल रेनफॉल ऑफ 30 to 90 cm आर मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा और ह्यूमिडिटी रहेगी तो यह गेहूं की फसल के लिए हार्मफुल होती है। वीट जो होती है वह कई तरह की सॉइल्स में उगाई जा सकती है, लेकिन सैलाइन और एसिडिक सॉइल्स में इसको नहीं उगाया जाता, या जिसमें वाटर लॉस्ड कंडीशन में भी नहीं उगाया जाता। मुख्य रूप से वेल ड्रेन्ड लोम जो मिट्टी होती है वह गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप्स फॉलोइंग 5 वीट ग्रोइंग रीजन हैव बीन रिकॉग्नाइज इन इंडिया। हम देखें तो सबसे पहले गैंगेटिक एल्यूवियम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, दूसरा है इंडस एल्यूवियम ऑफ पंजाब। एल्यूवियम सॉइल में सबसे अच्छी खेती होती है। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, द हिली रीजन ऑफ हिमालयाज एंड सिवालिक्स, और द डेजर्ट सॉइल ऑफ राजस्थान। वीट जो होती है यह एक रबी की फसल है भारत में, और इसको हम अक्टूबर से लेट नवंबर तक इसको उगाते हैं। सबसे पहले हम उसको मिड फील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको इरिगेटेड कर लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो। सीड्स को उगाने से पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है एग्रोसन जीएन से या सेरेसन से। ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई सीड बॉर्न डिजीज़ है तो वो ख़त्म हो जाए। बीजों को उगाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग या डिबलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग में तो जो गेहूं होते हैं उनको क्या किया जाता है कि फेंक दिया जाता है, स्कैटर्ड कर दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल बाय हैंड्स। और जबकि डिबलिंग मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि सीड्स को छोटे छोटे होल्स करके उनके अंदर गहराई में उनको डाला जाता है। इसके लिए एक उपकरण डिबलर का उपयोग किया जाता है जो कॉनिकल इंस्ट्रूमेंट है, और यह प्रॉपर डिस्टेंस पर होल करके वहाँ पर गेहूँ डाल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 तरह के मेथड हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिबलिंग। लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 125 to 130 kg पर हेक्टेयर सीड्स की आवश्यकता होती है। हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में रोज़ में गेहूं को लगाया जाता है, और 2 रो के बीच की डिस्टेंस 22 to 22.5 cm होती है। बीच बीच में वीडिंग करना ज़रूरी है, वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है। इसके लिए 2,4-D का भी स्प्रे किया जाता है। इरिगेशन इज़ नेसेसरी एट शॉर्ट इंटरवल्स फॉर ड्वार्फ वीट। ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत ड्वार्फ वेराइटीज़ के लिए नहीं चाहिए, लेकिन टॉलर वेराइटीज़ के लिए जो इरिगेशन है वो 3 से 4 बार इरिगेशन करना ज़रूरी होता है, पानी देना उन्हें पड़ता है। लगभग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाई ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, उन्होंने देखा पाया कि 120 kg नाइट्रोजन,
40-60 केजी फॉस्फोरस एंड 60-65 केजी पोटाश पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है हाई यील्ड के लिए। वीट इज़ यूजुअली ग्रोन इन रोटेशन। हम ये देखते हैं कि जो वीट है उसको रोटेशन में किन किन क्रॉप्स के साथ लगाया जाता है, जैसे कॉटन, मेज, मूंग बीन, पर्ल मिलेट, सोरगम, शुगर केन एंड टोबेको, इस प्रकार से उनको रोटेशन में लगाया जाता है। या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग भी की जा सकती है विद ग्रैम और मस्टर्ड। हार्वेस्टिंग जो है मार्च अप्रैल में किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हार्वेस्टिंग के लिए जो जो फार्म है वो कैसा, अगर छोटा है तो हाथ से ही सिकल के द्वारा उन्हें काट लिया जाता है हंसिए के द्वारा, या फिर अगर बड़ा फार्म होता है, बड़ा खेत है, तो हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय मशीन्स के द्वारा की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि जो बंडल जो बनते हैं, शीव्स जो होते हैं, उनको फैला दिया जाता है, और या तो उनको जो बुलक्स होते हैं उनके पैरों के नीचे दबाकर गेहूं को बाहर निकाला जाता है, या फिर थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। थ्रेशिंग मशीन के बाद ग्रेन्स जो अलग होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंट फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। अब हम इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हम देखें तो भारत के अंदर वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने का जो श्रेय दो मुख्य व्यक्ति हैं, जो दो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, एक तो है बीपी पॉल एंड डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इनका बहुत बड़ा योगदान है इम्प्रूव वेराइटीज़ के लिए। और आप ये देखिए कि यहाँ पर हम कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ दे रखी हैं, जैसे लर्मा रोजो 64, ये एक ड्वार्फ वैरायटी है। इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया और यह येलो ब्लैक रस्ट से रेजिस्टेंट है। NP 846, इट इज़ अ टॉल वैरायटी, हाईली रेजिस्टेंट टू रस्ट, और ये नॉर्थ हिली रीजन में उगाई जाती है। ऐसे ही सोनोरा 64 है, यह भी एक डबल ड्वार्फ वैरायटी है। कल्याण सोना है, सोनालिका है, तो ये सब ड्वार्फ वैरायटी हैं। शरबती सोनारा, यह भी एक ड्वार्फ वैरायटी है। मोती, हीरा, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर मंगला, यह कुछ उच्च किस्में हैं जो हाई यील्ड वैरायटीज़ हैं यह, और अधिकतर ये सब ड्वार्फ वैरायटीज़ होती हैं। अब हम अगर वीट की यूजेस हम देखें तो क्योंकि ये तो मुख्य फसल है वर्ल्ड के अधिकतर जगह पर ही जो है वीट को ही अधिकतर उगाया जाता है और फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटन होता है, इसीलिए ग्लूटन की वजह से अच्छे से इसमें ब्रेड और चपातीस बना पाते हैं। इसके अलावा जैसे बिस्किट्स है, ब्रेकफास्ट फूड है, वीट फ्लैक्स हैं, पफ्ड वीट हैं, श्रेडेड वीट हैं, इसके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा स्टार्च के मैन्युफैक्चरिंग में अल्कोहल, माल्टेड वीट, फ्लोर, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है गेहूं का। इसके अलावा जो लो ग्रेड फ्लोर जो होता है उसके जो पेस्ट होता है उससे हम वॉल पेपरिंग बनाई जाती है या प्लाईवुड बनाया जाता है। इसके अलावा जो मिल्स में जो वीट का वीट मिलिंग से जो ब्रैन, जर्म, ये सब मिलते हैं, इनको जानवरों के लिए उपयोग में लाया जाता है। वीट स्ट्रो इज़ यूज्ड एज ए बेडिंग फॉर कैटल, फॉर पैडिंग इन मैट्रेसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है वीट स्ट्रो का, जो बाद में गेहूं के काटने के बाद जो स्ट्रो बच जाते हैं इसके भी बहुत यूजेज हैं, जैसे पैडिंग इन मैट्रेसेस, बेडिंग फॉर कैटल, पैकिंग फ्रेजाइल फूड्स, थेचिंग, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गेहूं से फर्फ्यूरिल अल्कोहल बनाया जाता है। स्ट्रो पल्प का उपयोग पेपर मेकिंग में, स्ट्रो बोर्ड बनाने में और बिल्डिंग बोर्ड में उपयोग किया जाता है। आप ये पिक्चर देखिए, यह नॉर्मन बोरलॉग हैं जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने
ऐसी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बनाई हैं जो जो प्रारंभ में जो गेहूँ जो उगाया जा रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन इन ये वेराइटीज़ करती थी। ही सेड टू हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड फ्रॉम स्टारवेशन। इन्हीं के मुख्य योगदान के कारण आज हम इतनी अच्छी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का उपयोग कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी जो भूखमरी थी वो काफ़ी हद तक इनके प्रयासों से दूर हुई है। तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नॉर्मन बॉरलॉग का पिक्चर है ये। नेक्स्ट आप ये फ़ोटो देखें, यह है MS स्वामीनाथन। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो श्रेय जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस डेवलप की हैं और यह एक जाने माने भारतीय जेनेटिसिस्ट एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस का जो है वेराइटीज़ तैयार की गई, और जो ऐसे फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उनको इन्होंने उनको यह उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट हम देखें BP पॉल। यह भी एमिनेंट वीट ब्रीडर हैं। इन्होंने ऐसी सुपीरियर डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी NP वेराइटी ऑफ वीट की डेवलप की है और यह फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ द IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये फर्स्ट डायरेक्टर रहे हैं। इनका ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ऐसी उच्च वेराइटीज़ डेवलप की हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट थी, मुख्य रूप से जो रस्ट डिजीज़ थी इससे फसल को, गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान होता था। तो उन्होंने सिस्टमेटिक ब्रीडिंग मेथड के द्वारा ऐसी फसल, गेहूं की फसल या ऐसी वैरायटी उत्पन्न की जो रस्ट रेजिस्टेंट होती है। तो BP पॉल और MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन में। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर एक ये फ़ोटो आप ये देखें, इसके अंदर वर्ल्ड में आप रीजन्स कुछ देख रहे हैं, जो रेड रंग का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है यह आप देखें फर्टाइल क्रिसेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया था फर्टाइल क्रिसेंट, जिसके अंदर जो रीजन है ईरान, इज़राइल, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्तीन, ये रीजन इसके अंदर आते हैं और यहीं से स्प्रेड हुआ है गेहूं का। दूसरा जो कल्टीवेशन, मुख्य कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे हमने कनाडा में देखा, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर आप देख रहे हो भारत में, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आप देखो चाइना है। तो जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है यह जो है वीट कल्टीवेशन रीजन है मुख्य, और जो रेड रंग का आपको रीजन दे रखा है यह फर्टाइल क्रिसेंट है जहाँ से ओरिजिन हुआ है गेहूँ का। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।